यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और पाक जापान इंटेलेक्ट फोरम के माबेन जापानी जबान के फरोग के लिए मुफामत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। इस्लामाबाद में जापानी सफारत खाने और कराची कौंसिलेट के इश्तराक से यूसीपी के बोर्ड रूम में एमओयू की खसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में यूसीपी के प्रोरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम, पाक जापान इंटेलेक्ट फोरम की नायब सदर सितारा आरिफ, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज डॉक्टर फहमीदा सुल्ताना, डीन फैकल्टी ऑफ मीडिया डॉक्टर तैमूरुल हसन, डीन फैकल्टी ऑफ लॉ हादिया अवान, यूसीपी के डायरेक्टर एकेडमिक ख्वाजा बिलाल अहमद, रजिस्ट्रार रहील अंजुम, डायरेक्टर एडमिन अमजद नियाज, डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक फैसल शबीर और जापानी वफद के अराकीन ने शिरकत की। यूसीपी के कम्युनिकेशन हेड सलमान तलत ने वफद को यूसीपी के अहम प्रोग्राम्स और इकदामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। मुआहदे के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जापानी जबान के फरोग के लिए तालीमी सरगर्मियों, एक्सचेंज प्रोग्राम्स और दीगर इकदामात को फरोग देगी। यूसीपी के प्रोरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम ने वफद को यूनिवर्सिटी में खुशामदीद कहा। इनका कहना था कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान तजारत, कल्चर और दीगर शोबों के साथ साथ तालीमी मैदान में भी तआवुन के वसी मौके मौजूद हैं। यूसीपी के ग्रेजुएट्स जापानी जबान सीखकर पाकिस्तान के साथ साथ जापानी मार्केट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। We can have our IT graduates with the Japanese language. That's an avenue that I think you should consider. Universities over the world, you know, especially UCP, we want our graduates to be market ready. And we can prepare our graduates as per the requirements of the Japanese market, including the language proficiency. पाक जापान इंटेलेक्ट फोरम की नायब सदर सितारा आरिफ ने डॉक्टर नसर इकराम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, इनका मकसद पाकिस्तान और जापान के इंटेलेक्चुअल्स को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करके दो तरफा ताल्लुकात और कल्चर्स को परवान चढ़ाना है। यूसीपी के साथ एमओयू दोनों ममालिक के तलबा और तालबात को करीब लाने में मावन साबित होगा। द ओनली जापानीज लैंग्वेज इज नॉट आवर टारगेट, आवर टारगेट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज इवेंचुअली the students of Pakistan should be equipped with the world most advanced country's technology. We just need to have one way or other, we gradually have to reach this milestone, and we are very much hopeful that they be with us and they would never let us down. तकरीब में मौजूद शुरका ने अहम तालीमी और कल्चरल पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर फहमीदा सुल्ताना और सितारा आरिफ ने एमओयू पर दस्तखत किए और मुफामत की याददाश्त का तबादला किया। प्रोरेक्टर डॉक्टर नसर इकराम और सितारा आरिफ ने अपने इदारों की जानिब से एक दूसरे को खसूसी सोवीनियर पेश किए। वफद के अराकीन को भी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब के शुरका ने एमओयू के इनेकाद पर अपने ख्याल का इजहार किया। I have this Japanese language center here. This will prepare students with linguistic skills and abilities, which will make their academic and cultural journey in Japan very smooth. That was the basic, the primary purpose here. Dr. Saab jo hain, unka bada acha hame response mila. Unhone isko initiate kiya aur hum ummeed karte hain ki being executive committee member of PJIF, hum log isko aage badhayenge aur Japanese language ko Pakistan mein jis tarah dusri zubanein sikhayi jati hain usko sikhayenge. You are always welcome to learn Japanese. It's very easy and comfortable language. It will pay you in the future. It's getting very important language of the globe. So you can learn first language and then technology of Japan and any subject of Japan you can learn by learning Japanese first. University of Central Punjab aur Pakistan Japan Intellect Forum ke darmiyan hone wale is MOU se university ki satah par Japanese language ko farogh dene mein bharpoor madad milegi. Camera person Amir Bhatti ke sath Rimal Rizwan UCP TV Lahore.